टोंक के देवली उपखंड क्षेत्र के दूनी थाना इलाके में बजरी का अवैध खनन और परिवहन धड़ल्ले से के साथ चल रहा है। खनन से अवैध कारोबार से जुड़े लोगों को ना तो कोर्ट के आदेशों की परवाह है और ना ही इसमें प्रशासन का खौफ नजर आता है। रात दिन सड़कों पर वाहन धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। आपको बता दें कि दूनी थाना इलाके से राजमहल कुरासिया नया गांव होकर प्रतिदिन 500 से अधिक बजरी के ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक अवैध तरीके से बजरी भर कर ले जा रहे हैं। रोज बनास नदी के सीने से छल्ली करके हजारों टन बजरी का दोहन किया जा रहा है। इसके बावजूद खनिज विभाग और पुलिस प्रशासन के अधिकारी इससे अनजान बने हुए हैं। हालात ये है कि बजरी से भरे वाहन इन गांवों में तेज रफ्तार के साथ गुजरते हैं, जिससे कभी भी एक गंभीर हादसा भी हो सकता है। इसी के चलते लोगों में भय का माहौल व्याप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, जिसके तहत SIT का गठन हो रखा है और SIT के तहत दैनिक स्तर पर कार्रवाई की जाती है, जिसमें खान विभाग के अलावा राजस्व विभाग, DTO, वन विभाग, पुलिस और तहसीलदार वगैरह सभी शामिल होते हैं और इसकी रोज़ाना कार्रवाई होती है और इसकी कार्रवाई से युद्ध स्तर पर की जा रही है। इसमें RSC भी हमें अलर्ट कर रखी है, तो RSC को भी हम साथ में रख के कार्रवाई करते हैं। इसमें आप ये समझें सर कि जब से 16/11/17 से सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है बजरी खनन से, जब से लेके आज तक, आज दिनांक तक टोंक की अगर बात की जाए तो कम से कम हम 15 करोड़ की रेवेन्यू इसमें पेनल्टी के रूप में वसूली कर चुके हैं। और बाहर के जो ट्रैक्टर वगैरह, ट्रक वगैरह, ट्रेलर वगैरह आते हैं रात को 24 घंटा चलते हैं, पूरे गांव में धुंधला धक कर रखा है, सब बीमारी हो रही है हमारे। इसके लिए बाजार में सब जगह परेशान है, अधिकारी को फोन करते, अधिकारी सुनाई नहीं करते।